हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल तृप्ति वेदारम ट्यूटोरियल। आज हम डिस्कस करेंगे प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता। प्रायिकता का पार्ट टू डिस्कस करेंगे, और पार्ट वन जो है उसमें हमने बेसिक क्वेश्चन डिस्कस किए थे, और प्रोबेबिलिटी का डेफिनेशन क्या होता है, प्रोबेबिलिटी का मीनिंग क्या होता है, और डाइस वाले क्वेश्चन डिस्कस किए थे, कॉइन वाले क्वेश्चन डिस्कस किए थे, तो वो आप पार्ट वन में देख सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाके भी देख सकते हैं। इसके अलावा मेरे चैनल पर जो प्लेलिस्ट है उस पर स्टैटिस्टिक्स के वीडियो हैं, मीन मीडियन मोड, क्वार्टाइल डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, कोरिलेशन, रिग्रेशन, तो ये सारे वीडियो चैनल पर है, तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रोबेबिलिटी पार्ट टू। सो आई वेलकम यू ऑल टू माई चैनल तृप्ति वेदारम ट्यूटोरियल। देखिए, जनरल प्रोबेबिलिटी की जो परिभाषा होती है वो होती है एनी बटे एनएस, ओके, फेवरेबल केस अपॉन टोटल केस। ठीक है, इसको हमने लेक्चर वन में अच्छे से डिस्कस किया है, तो अगर आपको देखना हो तो आप लेक्चर वन ज़रूर देखें। क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी अधिवर्ष लीप ईयर में 53 बुधवार होने की क्या प्रायिकता है? इसका मतलब है कि आपके पास एक लीप ईयर, लीप ईयर मतलब अधिवर्ष है। देखिए, जनरली जो एक साल होता है उसमें कुल 365 दिन होते हैं। ठीक है, कितने दिन होते हैं एक साल में? 365 दिन होते हैं। लेकिन जो लीप ईयर होता है, लीप ईयर में होते हैं 366 दिन। कितने दिन होते हैं? 366 दिन होते हैं, यानी एक दिन एक्स्ट्रा होता है। ठीक है, तो हमें बताना है कि वो जो एक दिन एक्स्ट्रा है ना, 365 दिन का जनरली हमारा क्या होता है, एक वर्ष होता है, तो 366 दिन अगर जिस वर्ष में हो, तो वो जो एक दिन एक्स्ट्रा बचेगा 365 से 366 में, तो एक दिन एक्स्ट्रा हो गया, तो वो जो एक दिन एक्स्ट्रा हुआ उसका बुधवार होने की प्रायिकता बतानी है। ठीक है, उसके बुधवार होने की प्रायिकता बतानी है, या फिर हम ये भी समझ सकते हैं कि एक लीप वर्ष में 53 बुधवार होने की प्रायिकता बतानी है। तो देखिए, एक लीप वर्ष में कितने सप्ताह होंगे ये हमको सबसे पहले देखना पड़ेगा, क्योंकि हर एक सप्ताह में एक ना एक दिन बुधवार होगा। ठीक है, देखिए मैं आपको समझाती हूँ कि आपके एक लीप ईयर में कितने दिन होते हैं, 366 दिन होते हैं। ठीक है, अब 366 दिन में से अगर आप इसको 7 से डिवाइड कर दोगे, ठीक है, 7 × 5 = 35, कितने बचे, 3 गए, तो 6 में से 5 गए, तो 1 बचा, और ये 6 नीचे आया, 7 × 2 = 14, है ना, 7 का 2 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 14, इसको घटाएंगे तो कितने आएंगे, 2। इसका मतलब आपको समझ में आ रहा है कि आपने जब 366 को 7 से भाग दिया तो आपको आया 52। 52 क्या है, 52 है सप्ताह, है ना, सप्ताह कितने हो गए, 52 सप्ताह हो गए। अब एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। एक सप्ताह में वेडनेसडे भी होता है, मतलब बुधवार भी होगा, संडे भी होगा, सब होंगे। इसका मतलब 366 दिन में से 52 तो आपके पास बुधवार होंगे ही सही। किसकी प्रायिकता निकालनी है आपको, बुधवार की। इसका मतलब 52 सप्ताह हो गए, तो 52 सप्ताह हो गए, तो 52 सप्ताह मतलब हर एक सप्ताह में एक बुधवार तो होगा, तो 52 सप्ताह में 52 बुधवार होंगे, तो आपके पास 52 बुधवार हो गए। लेकिन आप देख रहे हो कि यहाँ पर 2 एक्स्ट्रा बच रहा है। ये 2 एक्स्ट्रा क्या है, ये 2 जो एक्स्ट्रा बच रहा है ये आपको बताता है कि ये जो 2 दिन है ये एक्स्ट्रा दिन है आपके पास। ये क्या है, ये एक्स्ट्रा दिन है। ये एक्स्ट्रा दिन कौन कौन से हो सकते हैं, मान लो कि आपका सप्ताह जो है, ठीक है, आपका सप्ताह जो है वो ख़त्म हुआ संडे पर, है ना, मान लिया आपने कि जो 52 सप्ताह थे, 52 सप्ताह का आखिरी दिन कौन सा होगा, संडे, तो संडे पर ख़त्म हुआ, तो संडे पर अगर ख़त्म हुआ तो मान लिया जो 53वां दिन है, है ना, जो 53वां दिन है वो क्या हुआ, मंडे हुआ, तो जो 52 सप्ताह पूरे हो गए, उसके बाद जो दिन आएगा या तो वो मंडे ट्यूसडे हो सकता है ना, या फिर वो हो सकता है ट्यूसडे वेडनेसडे, या फिर वो हो सकता है वेडनेसडे थर्सडे। ठीक है, मतलब ये जो 2 दिन एक्स्ट्रा बच रहा है ये कौन कौन से हो सकते हैं भाई। ऐसा देखो, अगर एक साथ चीज़ें चल रही हैं, अगर संडे के बाद मंडे आ रहा है, मंडे के बाद ट्यूसडे आ रहा है, तो ये जो 2 दिन एक्स्ट्रा है या तो ये संडे मंडे होंगे, या मंडे ट्यूसडे होंगे, या ट्यूसडे वेडनेसडे होंगे, या वेडनेसडे थर्सडे होंगे, इसी प्रकार से तो होंगे। ऐसा तो नहीं होगा कि जो 2 दिन बच रहे हैं एक संडे हुआ तो एक थर्सडे हो जाएगा, ऐसा हो सकता है क्या, संडे के बाद कभी थर्सडे आ सकता है क्या, नहीं। ओके, तो देखिए,
ये जो दिन हो सकते हैं या तो ये सोमवार मंगलवार होंगे, या मंगलवार बुधवार, या बुधवार गुरुवार, गुरुवार शुक्रवार, शुक्रवार शनिवार, या शनिवार रविवार, या रविवार सोमवार। तो ये सात हैं आपके पास केसेस। तो सात में से आप देखो बुधवार कहाँ कहाँ आ रहा है, यहाँ और यहाँ। टोटल केस आपके पास कितने हो गए, सात। और बुधवार जो है वो कितने केसेस में आ रहा है, दो केसेस में। दैट मीन्स आपके पास प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 2/7। तो आपके पास जो प्रायिकता हो गई वो कितनी हो गई, 2/7। तो ये आपका आंसर था, ठीक है। देख लीजिए ध्यान से इस क्वेश्चन को, ओके। और नहीं समझ में आया तो वीडियो फिर से देखिएगा। अब एक और क्वेश्चन देख लीजिए कि आपके पास है 12 टिकटों में से 1 से 12 तक लिखी हुई, तो ये क्वेश्चन जो है वो आप करने की कोशिश कीजिएगा, ओके। ये मैं आपको होमवर्क के लिए देती हूँ। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो बाकी के पार्ट्स हैं वो भी मैं अपलोड करूँगी, तो डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।